विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू रिजल्ट सेशन 2018 से 2021। स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट वैसे जारी हो चुका है, बीकॉम का भी, बीएससी का भी और बीए का भी। बहुत सारे छात्र अपना रिजल्ट देख लिए हैं, लेकिन सभी कॉलेजों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पहले भी आपको बताए हैं और आज भी हम बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू का जो रिजल्ट है आप सभी देख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी आपका स्नातक पार्ट टू का एग्ज़ाम हुआ था असाइनमेंट के आधार पर हुआ था, और असाइनमेंट के आधार पर होने के चलते जो आपका कॉपी था आपके कॉलेज में ही रह गया। अब आपके कॉलेज के टीचर उस कॉपी को चेक किए और उसका मार्क्स फाइल तैयार करके, मार्क्स फाइल मतलब कि आपका रिजल्ट तैयार करके विश्वविद्यालय आरा को भेजना था। अब देखिए इसमें क्या है कि जब भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पर होता था तो सेंटर पे क्या होता था कि कॉपी का बंडल कॉलेज में जाता था, कॉलेज से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से अन्य कॉलेजों में जाकर आपका कॉपी जांच होता था, रिजल्ट तैयार करके पूरा कॉलेज का डाटा चला जाता था विश्वविद्यालय के पास, और वहाँ पे आप लोग का क्या था कि डाटा रिजल्ट तैयार करके विश्वविद्यालय टीआर के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित कर देता था। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है कॉलेज अपने स्तर पर, कोई टीचर आज भेज रहा है तो कई कॉलेज के टीचर 5 दिन बाद विदा कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय इसी के कारण आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। अब रहा कि जैसे जैसे कॉलेज का रिजल्ट गया है विश्वविद्यालय के पास, वैसे वैसे विश्वविद्यालय टीआर तैयार करके अपना रिजल्ट कॉलेज को भेजा है, कॉलेज के वेबसाइट पर भी भेजा है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब आपको कैसे ऑनलाइन देखना है ये आपको बता देते हैं फिर से। BiharInfo.in पर आएंगे तो BiharInfo.in पर इस पर लिंक एक्टिव किया गया है, ये ड्राइव के माध्यम से रिजल्ट आता है कॉलेज के साइट पर, और कॉलेज के साइट पर यहाँ इकट्ठा कर देते हैं हम लोग, और इकट्ठा करके BiharInfo.in के माध्यम से आप लोग देखे हैं पहले भी, और BiharInfo.in पर आ जाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि BKSU यहाँ पे आप देख रहे हैं, BKSU इस पर आ जाना है। BKSU आने से पहले ऊपर ही एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है आप जुड़ जाइए। यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई भी नोटिस आता है तो पहले वहाँ पर डाल दिया जाता है। अब देखिए जो आपका सेशन है, सेशन पे चले जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले पार्ट थ्री का जो एडमिशन है स्टार्ट भी है। कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेजों में, यदि आपका प्राइवेट कॉलेज है तो जाकर स्नातक पार्ट थ्री का नामांकन करा सकते हैं, और अन्य कॉलेजों में स्नातक पार्ट थ्री का स्टार्ट नामांकन नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट वन और टू यदि पास किए रहेंगे तभी स्नातक पार्ट थ्री में आपका एडमिशन होगा। तो देख लीजिए फिर जो रिजल्ट त्रुटि होगा तो विश्वविद्यालय आरा का सेशन लेट होगा। लेकिन चलिए स्नातक पार्ट टू के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। BKSU पार्ट टू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। कल ही इस लिंक को शेयर किए थे और आज भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं BSc BCom और BA का। यहाँ पर BA का जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि SS महिला कॉलेज और अल हाफिज कॉलेज का, ये दो कॉलेज का रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। BA का यही दो कॉलेज का आया है। विश्वविद्यालय लक्ष्य रखा है कि 21 तारीख तक सभी कॉलेज का जो रिजल्ट है चला जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, यही दो कॉलेज का आया है और बाकी कॉलेज का धीरे धीरे आप लोग देखेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।